ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चल रहा है। घर का बड़ा बेटा होने का जिम्मेदारी है ना, एली हम निर्णय लिए हैं तुम्हारा भलाई का। गंगिया तुमको तुम्हारा कमरा दिलवाए दी है ना, अब हम देखते हैं तुमको तुम्हारा शेखर पूरा साबुत मिलता है कि नहीं। छोटकी दुल्हन और छोटे ठाकुर का संबंध क्या है ये हमको पता है, पढ़ के ठुकरा है। और इसे में इतर जबरदस्ती करना पड़ता था, लगता है जैसे कोनो पाप कर रहे। लेकिन ये सब तो तुम बबुआ की जिंदगी बचावे खातिर कर रही हो, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तुमको तो बस बबुआ को ये बात के लिए तैयार करना होगा वो तुमसे प्रेम करने लगे। और ये तो तभी हो सकता ना जब तुम दोनों साथ साथ रहो। ये तो तुम्हारा काम है लाली, ये तो हमारा काम है दासी का धारा। हमको पता है तुम्हारे मन में का बीत रही है, कहना आसान है करना नहीं। तुमको ये लग रहा होगा ना कि लड़ाई में तुम बिल्कुल अकेली हो। भगवान तुम्हारा साथ है, तुम्हारा साफ मन तुम्हारा रक्षा कवच है। और तुम्हार प्रेम वही जिसे काम होने के बाद तुम त्याग दोगी। वही तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। तुम अकेली नहीं हो लाली। अकेली है वो, लेकिन उसे हल्के में मत लेना। यही लिए हम हाथ मिलाए हैं, कहे कि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम उसे बाहर नहीं किए तो हम सब पे बहुत भारी पड़ने वाली है। हम सब पे, आप पे भी, आप काहे उसे बाहर करना चाहते हैं? काहे कि हमारे परिवार का हमको फिकर रहता है चुटके, जिसका एक नाम है, एक रुतबा है। अब ऐसे में हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा भाई, हमारा अपना भाई गलत राह पर चल पड़े। बड़ा भाई होने के नाते ओकरे को खबरदार करना हमारा फर्ज है कि नहीं? बाबूजी तो किसी का बात सुनते नहीं, आंख मूंदे बैठे रहते हैं। ऐसे में हम कैसे देख सकते हैं एक चालू नीच जात का लड़के हमारे भाई को अपना इशारे पर नचाए और हम बैठ कर चुपचाप तमाशा देखें? हमसे नहीं होता। तो
तुम्हारा ई परिवार में जो स्थान है, जो अधिकार है, उचिरई उनको छीने हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे छुटकी। इसलिए हमने फैसला कर लिया है तुम्हारी भलाई का, लेकिन एक बात है छुटके, बहुत है जरूरी। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब साथ में मिले हुए हैं, समझे कि नहीं? हाँ, हम अपन चीज हाथ से नहीं जाने देंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां बहुत जल्दी वापस पाओगी, ही हमारा वादा है। बस वो सब करो जो हम तुमसे करने को कह रहे हैं, बाकी सब चीजें हम पर छोड़ दो। हर घड़ी ये डर लगा रहता है कि बाबू हमसे कहें, लेकिन ये वजह से हमारा भरोसा तुमसे उठ जाए, ये कोनो बात नहीं हुई। हमको पता है बबुआ की जिंदगी बचाने में तुम सक्षम हो, ये तुम जरूर करोगी। ये हवेली के लिए एक बारिश पैदा करके। हम वो चिरैया से बारिश पैदा होने नहीं देंगे, और ओकरे लिए चिरैया और शेखर को एक साथ रहने नहीं देना है, समझे? लाली, लाली जी, चले। तुम का कहीं जा रहे हो? खेत में? नहीं, तुम नहीं जा सकते। वो कहा है कि हमारे पापा कुछ कागज भेजे दस्तखत करने के लिए, लेकिन कहा है कि ये सब हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन हमें देर हो रही खेत के लिए। तुमका इतनी भी मदद नहीं करोगे हमारी? ठीक है, लाओ दिखाओ कागज। तुम्हें कॉल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहे तो खेत जा सकती हो। लाली, चलो जल्दी करना। चलो आ, मेरी मदद करो। ए, रुक! कहा है? कहां भागी चली जा रही है रे? हैं? कौन अच्छा काम के लिए निकलो तो पहले ही रास्ता काट देंगे। है इतना बर्तन धरा है, कौन माजेगा? बाद में धो देंगे ना, अभी जल्दी है हमको।
खेत जाना है, आपको जल्दी तक किसी और से धुलवा लीजिए। खेत में मटर भर रहा है तो जाएगी चबाने, अब खेत में नहीं जा पाएगी। जा जा, जरूरी काम है, जा। ये ऐसे काहे देख रही हैं, जैसे हमको रोक के इनको बहुत ही खुशी मिली हो। दोनों मिलके कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे, क्या चल रहा है इनके दिमाग में आजकल? अच्छे से पढ़ लिया ना, कोनो गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। अरे लो, ये कलमिया को भी अभी खराब होना था, अब लगता है नया ढूंढ के लाना पड़ेगा। अरे पता नहीं कहाँ रख दी सारी कलम, एक को नहीं मिल रही है। खेत में मटर भर रहा है तो जाएगी चबाने, अब खेत में नहीं जा पाएगी। ये काहली बोली कि हम खेत पर नहीं जा पाएंगे, कहीं खेत का ही तो कोनो बात नहीं है ना? कपार पे चढ़ जाती है सबसे। सत्यानाशी
कहां फुर हो गई उच रैया। अरे बाप रे बाप, मर गए। हमने तो हाथ ही थक गया दस्तखत करते करते। फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। हमारी मदद कर दो ना दोबारा। शेखर बाबू। अरे सुनो हमारा फॉर्म। शेखर बाबू, आपके खेत को जानवर रौंद रहे हैं और नौकी दुल्हन वहाँ अकेली है। अरे सुनो, एक कागज पर दस्तखत नहीं कराओगे का? बहुत जरूरी भेजना है। भाड़ में गया तुम्हारा कागज दस्तखत। अरे बबुआ जी, आप कहाँ हैं? नहीं, अरे तलिक सुनिए तो बबुआ जी। अरे सुन,